अनुराग भदौरिया जवाब दे रहे हैं, रत्नाकर त्रिपाठी एंड मृत्युंजय जी ऑल्सो ऑन नाउ। दीपक जी आ रहा हूँ। देखिए मुझे लगता है सुधांशु जी आप जमीन की हकीकत नहीं समझ पा रहे हैं। ये जो पॉलिटिक्स है ना और जनता की सेवा क्रिकेट नहीं है, यहाँ रन बनाने नहीं पड़ते, यहाँ काम करना पड़ता है। शायद आप भूल रहे हैं कि जहाँ से आपके बड़े नेता लड़ते राजनाथ सिंह, उसकी अगल बगल की सारी सीटें हार गए। लखनऊ की दो सीटों में एक सीट आप हार चुके हैं। अगर जहाँ से आदरणीय मोदी जी लड़ते हैं वहाँ की अगल बगल की सीटें सब हार चुके हैं आप, और जहाँ से अयोध्या मैंने बता दिया और जहाँ से योगी जी आते हैं वहाँ की अगल बगल सीटें सब हार चुके हैं आप। तो सवाल उठता है आप हार मानने को तैयार क्यों नहीं है? आप ये मानिए कि आप हार रहे हैं। जो हमने 79 सीटें कही थी, आज भी कह रहे हैं कि हमारी कम से कम 15 से 16 सीटें हम ऐसा मान रहे हैं कि हमारी कम आई हैं, और आप 32 सीट ला के खुश हो रहे हैं तो आपको बधाई। अभी भी हम आपसे ज़्यादा 37 सीट ला के खड़े हैं। हमने अगर 79 बोला था तब भी हम 37 पे खड़े हैं, आपने 80 बोला था अब 32 पे खड़े हैं। तो आप ये समझ के देखिए कि हम तब भी अपनी अपनी बात पे तो हम आगे ही है ना। सवाल ये है कि हर चीज़ को इस तरह से जोड़ना 1984 1990, इसीलिए मैं हाथ जोड़ के आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आप जनता को 2024 में ही रहने दीजिए। आप जनता को पीछे ले जाने की कोशिश करते हैं, उनके इतिहास में उनको ले जाते हैं और उनके भविष्य उनके वर्तमान की बात नहीं करते, इसलिए जनता ने आपको आईना दिखाया, फिर भी आप वहीं जा रहे हैं। तो हम आपको निवेदन करते हैं आपसे, चूंकि आप सत्ता में उत्तर प्रदेश में भी है, तो जनता के भविष्य की और जनता की चिंता कीजिए। आप चिंता करने लगते हैं अपने नेताओं की चिंता कम कीजिए, जनता की चिंता कीजिए, तो शायद आप कुछ आगे कुछ आपको मिलेगा। वरना आप उत्तर प्रदेश से तो साफ हो ही चुके हैं, आने वाले दिनों में देश से साफ हो जाएंगे। मैं आपको कहो भी लिख के दे दूं, क्योंकि जनता आपको देखना नहीं चाहती है। क्विक रिस्पॉन्स, आप जीते हैं क्विक रिस्पॉन्स, उसके बाद फिर स्टूडियो में कहा किस तरह से आप आए, क्विक रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स, लेकिन आने वाले दिनों में आपकी हार। ओके अनुराग, उत्तर प्रदेश, ओके प्रोफेसर साहब, जनाब इतना भी अहंकार अच्छा नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के बाहर आप सफा चट हैं और हमसे कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में साफ हो चुके हैं और साफ हो जाएंगे। जनाब आज भी उतनी सीटें नहीं पाए, मुलायम सिंह जी के जमाने में 40 सीटें पाई थी सपा ने, और उसके बावजूद आज आप कह रहे साहब। और एक बात मैं कहना चाहता हूं बिल्कुल ईमानदारी से, जो ऐश्वर्य जी आपने कहा, इस चुनाव का एक लेसन है कि अगर आप डिलीवरी करते हैं, काम करते हैं, बिल्कुल आप सोशल साइंस के हिसाब से, ये सोशल साइंस के साइंटिस्टों के लिए विचार करने का विषय है कि एक समुदाय ये बात अपेक्षा करता है कि मुझे ये मिला वो मिला, ठीक है, पर अगर हमें 4,000-5,000 रुपए का भी कुछ बेनिफिट हो रहा है तो हम वोट देने को तैयार हैं। और एक समुदाय ऐसा जो कहता सब कुछ मिल गया मगर हमारे लिए मिलने का कोई मतलब नहीं है, हम किसी और चीज पे वोट देने को तैयार हैं। और आज अयोध्या हारने के ऊपर कितनी मुस्कुराहट है इनके, हमें कहते हैं इस पे विचार करिए क्या मक्का में इस्लाम के खिलाफ बोलने वाली पार्टी की जीत पे या वेटिकन में क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बोलने वाली पार्टी जीत सकती है और उसके ऊपर मुस्कुराने वाला कोई मुस्लिम या क्रिश्चियन हो सकता है? सोचिए कितनी इनको खुशी हो रही है कि साहब राम मंदिर में गोलियां चलवाने वाले जीत गए अयोध्या में, पहले तो यह एक प्रश्न है और उसके बाद टीवी पर आकर इनकी की कटाक्ष भरी मुस्कान है। तो बहुत सारे प्रश्न है, नहीं इस पे भी हम स्वीकार करते हैं, ये सारी चीजें किसी देश और समाज के लिए विचार करने का विषय होती है। इसलिए जो आपने कहा टेक अवे फ्रॉम इलेक्शन बहुत सारे प्रभु, निवेदन है आपसे सपा चट हो जाएंगे अगर इसी धर्म। अरे भैया धर्म हार के रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर त्रिपाठी, दीपक जी आ रहा हूं। मृत्युंजय जी को जब ऑडियो कनेक्ट हो जाए तब डालना, थैंक यू वेरी मच, और किसी को जरूरत नहीं। संजय जी के पास मैं बाद में जाऊंगा। रत्नाकर त्रिपाठी की फोर विंडो, रत्नाकर त्रिपाठी, सुधांशु जी और दीपक जी से पूछ रहे हैं। हाँ बोलिए त्रिपाठी जी। क्या बोलूं, मैं तो बड़ा खुश हूं। क्यों? प्रभु का जो भोजन होता है ना वो अहंकार होता है, और सौभाग्य हमारा है कि भाजपा और उसके प्रवक्ताओं का अहंकार अभी समाप्त नहीं हुआ। वो अब ये बता रहे हैं कि एक समुदाय ऐसा है जिसे हमने सब कुछ दे दिया। दीपक जी मुस्कुरा रहे हैं। उसने मुझे वोट नहीं दिया। अरे वाह भाई, एक समुदाय ऐसा है जो 4,000-5,000 पे बिक जाता है। मतलब ये बोलना चाहते हैं एक समुदाय बिकाऊ है और दूसरा जो इनका जो सो कॉल्ड समुदाय है जिसको इन्होंने खरीदने की कोशिश की वो बिका नहीं, उसने इनकी गलतियां देखी। और सुधांशु जी, किसी भी के प्रथम आने से या प्रथम वाले के नीचे आने से किसी को हंसी नहीं आती है। एक वो बच्चा ना जो क्लास में हर आदमी का गिरबान पकड़ के कहता है कि अबे सुन, पहला तो मैं ही आऊंगा, तुम लोग छठे से चालू करोगे। अब बार बार पूछता है क्या पढ़ा तुमने, गणित पढ़ ली, सामाजिक विज्ञान पढ़ लिया, संस्कृत में क्या जानते हो बे, और मैंने तो ये पढ़ लिया, मैंने वो पढ़ लिया, मैंने बगल की क्लास को पढ़ा लिया। उस अहंकारी और गुंडई करने वाले बच्चा जब 20 अंक गिरता है ना, चौथे पे आ जाता है, तो जो 40 पे रहता है ना परसेंट पे, वो भी खुश होता है क्योंकि सब उससे भयभीत आक्रांत और प्रताड़ित रहते हैं। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपको तो अग्निवीर की आग ने जला दिया,
पूरा पूर्वांचल साफ हो गया। एक सेकंड बच्चा, आप आराम से बोलिए, 30 सेकंड। पूरा पूर्वांचल साफ हो गया आज, पूरा मैच जो जीरो तक जाने वाला जी का बुझता हुआ दिया था ना, वो अब नीचे भी अंधकार है, ऊपर भी अंधकार है। और एक बात और जानिए, देवताओं की बात आप क्या करेंगे, आपके मोदी जी तो देवता बदल देते हैं। बनारस बर्बाद करना था तो कहे हर हर महादेव, बनारस पूरा भूलुंठित कर दिया, उजाड़ दिया। यूपी को बर्बाद करना कहे जय श्री राम। अब श्री रामचंद्र ने जब उनको उनके मुताबिक परिणाम नहीं दिया तो कल क्या बोला, जय जगन्नाथ। पूरी बर्बाद, उड़ीसा बर्बाद। मैं तो समझ गया उड़ीसा वालों की शामत आ गई। और दीपक चौरसिया जी, आप एक पत्रकार रहे हैं, फेक वीडियो पे जो हंस रहे हैं ना, सोना बनाने वाली बात। हाँ मैं आपको बताऊं, जिससे जनता को आप मार रहे थे, जनता मरेगी नहीं। केदारनाथ अग्रवाल ने कहा है, आपके सोने पे बोल रहा हूं, जो जीवन की धूल चाट कर बड़ा हुआ है, तूफानों से लड़ा और फिर खड़ा हुआ है, वो जिसने सोना खोदा है, लोहा मोड़ा है, दीपक जी वो जन मारे नहीं मरेगा, वो जन मारे नहीं मरेगा। आप जैसे लोग मजाक उड़ाते रहे, हंसते रहे, समझ रहे हैं ना, संजय जी, व्यक्तिगत द्वेष निकालते रहे किसी के प्रति, लेकिन हम मरने वाले नहीं हैं। अब सपा रहे, कांग्रेस रहे, एक एक करके जवाब ले रहा हूं, तो पूछने दीजिए क्या किया। ये जितनी बातें बोले हैं ना, पूरे चुनाव भर इसके चौगुनी बोलते गए, क्या महंगाई दर तुम बताओ, तुम्हारे समय में से फूड बोल गए 1400 सिलेंडर था। हम तो अभी जिस ड्राइवर के साथ आ रहे थे, अंतिम दीपक जी आ रहा हूँ, अनुराग जी आ रहा हूँ, ओके, एक एक करके जवाब, क्विक रिस्पॉन्स, सुधांशु त्रिवेदी और दीपक जी, क्विक रिस्पॉन्स, आपको बता, टू वर्सेस वन, जनता ने, अनुराग जी आ रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए, आ रहा हूँ, प्रोफेसर साहब फेंकेंगे, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, सुधांशु जी पहले और उसके बाद दीपक जी, क्विक क्विक रिस्पॉन्स, हाँ इधर एक रखो, हाँ बोलिए। देखिए, एक तो मैं इनको बधाई दूंगा कि इन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम वो बच्चे थे जिसको ये भी पता था, वो भी पता था। हाँ, और उसको ये पता रहता, मैंने तो ये भी पढ़ लिया, तुम ये बताओ, उससे वो बच्चा भयभीत रहता है जिसके 20 नंबर भी नहीं आते थे, वो 40 पाने वाला बच्चा इस बात पे खुश होता है कि इस बच्चे के 20 नंबर कम हो गए। इसके लिए इनको धन्यवाद देता हूं, इन्होंने बिल्कुल स्वीकार किया। और उसी बात का अहंकार दिखता है जिसको दहाई अंक में सीटें नहीं मिली उत्तर प्रदेश में। सुनिए, सिंगल डिजिट में सीट है उत्तर प्रदेश में, और आप भाव भंगिमा देखिए, तेवर और कलेवर देखिए, और उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि साहब अहंकार किसके अंदर है। और मैं आपको एक और बात कह देना चाहता हूं, बिकाऊ टिकाऊ नहीं। देखिए, हमारे लिए धर्म कोई विषय राजनीति का नहीं। जब दो सीटों के थे, जब जिंदगी में उम्मीद नहीं थी कि कभी अपनी जिंदगी में सत्ता आएगी, तब भी साथ में खड़े थे। जब 160 180 सीटें रही तब भी वैसे ही खड़े थे, जब 116 रही तो वैसे ही खड़े थे, 282 वैसे ही खड़े थे, 303 पे वैसे ही खड़े, और 240 पे वैसे खड़े। हाँ, मगर ये बिल्कुल विचार करने का विषय है कि एक समाज के बारे में ये कहा जाता है कि इसमें ये उस कैटेगरी का है, वो उस कैटेगरी का है, यानी उसमें तोड़फोड़ चलती रहती है, और दूसरे में ऐसी जोड़ चलती है कि भारत से लेकर हमास तक जोड़ के रखा जाता है। क्योंकि सोनिया गांधी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इसराइल फिलिस्तीन युद्ध पे प्रस्ताव पारित किया, सोनिया गांधी जी ने आर्टिकल लिखा, चुनाव समाप्त हो गए, विषय नहीं समाप्त होता। मान्यवर, बता के जाइएगा किस अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर इंडी गठबंधन ने प्रस्ताव पारित किया, और किस अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्लिक्ट, एक सेकंड, प्रियंका जी ने ट्वीट किया, दीपक चौरसिया, कह रहा हूँ, आपने दीपक के ऊपर ऑलरेडी, आपने दीपक जी के ऊपर, जिनके बारे में विचार होगा हम लोग, ऑडियो कनेक्ट हो गया।